हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में मैंने जो एक क्वेश्चंस दिया था आपको, वो क्वेश्चंस का कुछ मैं ये आंसर आपको एक डायग्राम बना रहा हूँ, 3D डायग्राम जो है, जिसमें आपका दो रूम था और दो रूम के साथ साथ एक हॉल था। तो इसको एक्चुअली में डायग्राम जो है कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। मैंने कैसे बनाया है वो मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने का, और इसमें वायरिंग मैंने कैसे किया है, और इसमें एक एनर्जी मीटर के साथ ही इसमें आपको कनेक्टेड है, और ये 1 BHK का फ्लैट है और उसमें एक हाउस वायरिंग करना है। तो आप जानते हैं कि मीटर बोर्ड और एनर्जी मीटर और मीटर बोर्ड दरवाजे के पास ही लगाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक डोर यहाँ मैंने दिया है, तो ये डोर से आप इंट्री करते हैं। तो यहाँ पे साइड में एनर्जी मीटर को लगाया, फिर उसके बाद से मीटर बोर्ड को लगाया, और इसमें एक वायर, ये जो सिंगल लाइन डायग्राम के थ्रू मैंने ये डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि एक वायर आपको, मतलब डबल क्रॉस का मतलब है दो वायर आपका जा रहा है सिंगल लाइन डायग्राम में। तो एक फेज और एक न्यूट्रल मैंने लिया है, और इस फेज न्यूट्रल से मैंने इसको स्विच बोर्ड, सर्किट बोर्ड, स्विच बोर्ड 2 में मैंने कनेक्ट किया। अब ये स्विच बोर्ड 2 जो है ये हॉल का स्विच बोर्ड 2 है, और स्विच बोर्ड 2 जो हॉल का है, फिर स्विच बोर्ड 2 से यहाँ पे देखिएगा गौर से, रेड पेन का जो साइन है वो आपको यहाँ से इंट्री है डोर का रूम नंबर 1 में, और रूम नंबर 1 में जो ये इंट्री है, फिर ये वायर को एक मैंने यहाँ पे दो साइन बनाया हो, दो का ऐसे लाइनिंग कर कर जो बनाया गया है वो इंडिकेट करता है 2 वायर। तो ये 2 वायर जो है लाइव और न्यूट्रल वायर स्विच बोर्ड 1 में जाता है। अब देखिएगा कि इस रूम का जो एंट्री गेट है इसी के पास स्विच बोर्ड 1 लगा है, और ये स्विच बोर्ड 1 को जो मैंने फिर एक फैन से, एक लैंप से, एक ट्यूबलाइट से, एक यहाँ पे भी लगा होता। आप जानते हैं कि फैन को सेंट्रल में रखते हैं, सेंटर में रखकर उसके दोनों साइड एक बल्ब लगाया है, एक बल्ब यहाँ लगाया है, और फिर मैंने यहाँ से जितने फेज, जितने लैंप है 1 2 3 4, तो मैंने 1 2 3 4, ये मैंने इस प्रकार से 4 वायर्स यहाँ पे लिया है, और यहाँ से इसके लिए 2 वायर्स लिया है, इसके लिए 2 वायर्स लिया है, एक लाइव एक न्यूट्रल। इस प्रकार से इस घर की वायरिंग हो जाती है। देन आफ्टर ये सर्किट बोर्ड 1 से लेकर सर्किट बोर्ड 2 से कनेक्ट किया, और सर्किट बोर्ड से मैंने 3 वायर को निकाला। सेंट्रल पार्ट में मैंने कुछ नहीं लगाया, बट लेकिन यहाँ कनेक्शन कर दिया है, एक फेज इसके लिए, एक लाइव न्यूट्रल अर्थ। तो एक लाइव और न्यूट्रल एक फेज यहाँ पे फिलहाल, बाद में कोई जरूरत पड़े तो कोई लगा सकता है। फिलहाल ये सेंट्रल पार्ट है, और एक हॉल में एक यहाँ फैन लगाया गया, एक हॉल यहाँ फैन लगाया गया, और इस तरह से 3 वायर यहाँ गुजारा गया, ठीक है। देन आफ्टर सर्किट बोर्ड स्विच बोर्ड 2 से मैंने यहाँ पे फिर से स्विच बोर्ड 3 के पास ले गया। स्विच बोर्ड 3 में जब आप, हम लोग आते हैं तो 2 वायर लाइव और न्यूट्रल, ये सिंगल लाइन डायग्राम के तहत सिर्फ 2 वायर को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। देन आफ्टर आपका वही सब कुछ, एक लैंप यहाँ है, एक लैंप यहाँ, सेंटर में पैन है, और एक ट्यूबलाइट यहाँ पे है। तो इस हिसाब से यहाँ से निकलने वाले 4 वायर 1 2 3 4, तो यहाँ पे मैंने 4 लाइन ड्रॉ कर दिया, 1 2 3 4, और यहाँ से फैन से मैंने न्यूट्रल लिया, एक न्यूट्रल फैन से लैंप को जाता है, और यहाँ से फेज लिया, एक फेज इसके लिए गया। तो यहाँ से आपको जो निकला 4 वायर है, तो 4 फेज यहाँ से सभी के लिए, सभी के लिए सर्किट बोर्ड से, स्विच बोर्ड से, सबका स्विच लगेगा यहाँ पे। तो 1 2 3 4 जितने स्विच है वहां पे, जितने वायर यहाँ हो जाएंगे, तो एक वायर इसके लिए, एक वायर इसके लिए, एक वायर इसके लिए, इसके एक वायर इसके लिए। तो यहाँ पे मैंने 4 वायर दिया, और एक न्यूट्रल यहाँ से फैन से सबको कनेक्ट कर दिया गया है। तो यहाँ भी आप देखेंगे तो वही इस चीज है, यहाँ से जितने हैं सभी के लिए स्विच लगाया, तो 1 2 3 4 वायर 4 फेज वायर हो गया, और हमने यहाँ से एक न्यूट्रल ले लेते हैं, और न्यूट्रल से मैंने फैन से, न्यूट्रल से ये दोनों को ये कनेक्ट कर देते हैं। तो ये ध्यान देना ये बात कि अगर यहाँ से न्यूट्रल रहेगा तो यहाँ भी कनेक्ट कर देंगे, यहाँ भी कनेक्ट कर देंगे। और अब इसको हम लेंथ ऑफ कंड्यूट लेना हो तो कैसे लेंगे, देखिएगा ये क्वेश्चन में आपका साइज कितना दिया हुआ है। तो देखिए ये 8x3 का हॉल है और 4x4 का रूम है, दोनों रूम। तो एक अच्छे से एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, देखिएगा यहाँ से यहाँ तक मैंने 8 लिया,
तो मैंने दो दो मीटर का मैंने लिया। आप देखेंगे कि 2 मीटर, अब देखिए चूंकि यहाँ फैन लगाना है F2 है, तो 2 मीटर का मैंने दूरी पे रखा, और फिर सेंट्रल पार्ट से 2 मीटर, फिर इसी तरह से 2 मीटर को इस रूम के पास रखा, तो इस तरह से 2 + 2 + 2 + 2 ऐड करेंगे तो 8 हो गया। तो ये हमारा इस प्रकार से हम कर देंगे। और देन आफ्टर 3 मीटर का, क्योंकि 8 by 3 है तो 3 हमारा हाइट है, तो आप देखेंगे कि ये जो 3 है 1.5 यहाँ पे जो मैंने लिया, यहाँ पर दूरी 1.5 मीटर का लिया, फिर वहां पर 1.5 मीटर के लिया, और यहां से यहां की दूरी जो है 2-2 मीटर की गैपिंग पे मैंने इसको रखा है। तो इस तरह से हॉल और हॉल का 8 by 3 का मैंने लेंथ और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है वो मैंने आपको बताया। अब रूम का देखेंगे तो रूम का भी आपको कुछ इसी प्रकार का है। आप देखेंगे तो रूम में हमारा 4 by 4 का जो कमरा है, तो ये 4 by 4 का कमरा है, यानी कि 4 या 2 मीटर के दूरी पर हम सेंट्रल पार्ट में यहाँ पे वायरिंग करेंगे, जो कि फैन रखेंगे, लैंप रखेंगे, और फिर यहाँ भी 2 मीटर की दूरी पर यहाँ भी आपका फैन से मिलता जाएगा। तो इधर से हमारा 2 मीटर 2 मीटर की दूरी पर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। इसी प्रकार 2 मीटर + 2 मीटर का इधर दूरी बना दिया, और जिस प्रकार इस पे वायरिंग किया, जिस प्रकार इसका डिस्ट्रीब्यूट किया लेंथ का, उसी प्रकार इसमें भी हम 2 मीटर के सेंट्रल पे वायरिंग कर दिए। और इस प्रकार के 2 रूम का इधर का सेंट्रल वायरिंग भी हो गया 2 मीटर, फिर 2 मीटर का इधर भी हो गया 2 मीटर, इधर हो गया 2 मीटर, इधर हो गया। इस प्रकार से हमने आपको पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया लेंथ का। और इसी प्रकार से आप जो है लेंथ को ऐड भी कर लेंगे कि कितना कितना लेना है। और हाँ, जैसे देखिए मान लिया जाए ये लैंप है, अब इसको गौर से कीजिएगा, ये लैंप है। अब ये लैंप जो है हमारा छत से नीचे होगा, या तो 1 मीटर के नीचे हो सकता है, 1.5 मीटर के भी, या 1.5 मीटर भी हो सकता है। अब ये डिपेंड आप करता है, आप अजम्पशन में आप ले लेंगे तो आपको कोई गलती नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे ये छत है, तो छत पे आप छत से थोड़ा सा नीचे दूरी पर, या 0.5 मीटर के दूर नीचे कुछ लोग फैन को लटकाते हैं, मान लीजिए छत से लटका देते हैं, तो आप यहाँ पे 1.5 मीटर। तो अब देखिए कि मान लीजिए अगर आपको समझना है कि किस प्रकार से लेना है, तो ये आपका जो कॉन्ड्यूट बैठाएंगे ये आपका वर्टिकल हो गया, ठीक है, ये आपका वर्टिकल इसको कहते हैं, तो ये वर्टिकल हो गया, और इस प्रकार को हॉरिजॉन्टल हो गया। तो ये आपको समझना है, जैसे यहाँ से यहाँ जो वायर हुआ, ये सारा वायर हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये आपका हो गया वर्टिकल हो गया, ये आपका पूरा ये हॉरिजॉन्टल हो गया। कहीं कहीं जो छत की वायरिंग होती है वहाँ सेलिंग भी कहते हैं, यहाँ सेलिंग भी कहते हैं, सेलिंग भी कहते हैं जहाँ छत की वायरिंग होती है ऊपर में। और नीचे जो जितना भी ट्यूबलाइट है, जैसे देखिए यहाँ पे ट्यूबलाइट है, तो 1.5 मीटर की छत से नीचे लगाया गया है, लैंप है 1.5 मीटर की दूरी पर, या 1 मीटर की दूरी पर ये लैंप है 1 मीटर के नीचे आपको छत से नीचे लटकाया गया है। तो सभी जगह आप इस तरह से आप लेंथ को लेंगे, देन आफ्टर आप बनाएंगे, आपको एक दो बार बनाएंगे, प्रयास करेंगे तो ये आपको बन जाएगा। आप ये डायग्राम अच्छे से थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नीचे भी आप देखेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको 8 को मैंने डिवाइड किया 2-2 मीटर में। तो उम्मीद है आप लोग, ऊपर का चूंकि फिगर नहीं आ रहा है तो मैंने दिखाने की कोशिश किया है, उम्मीद है आप लोग समझे होंगे। ओके नाउ स्टूडेंट्स, थैंक यू।